जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। आज हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं इस वीडियो में कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए, और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को शिम्बी यानी कि सेम ना खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। तो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। अजा एकादशी यानी अन्नदा एकादशी 22 अगस्त सोमवार प्रातः 3:36 से 23 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:06 तक है, लेकिन व्रत रखने का सही टाइम है 23 अगस्त मंगलवार। मंगलवार को सुबह एकादशी का व्रत रखिए। व्रत को खोलने का समय यानी कि व्रत पारण का समय 24 अगस्त को सूर्योदय के बाद है। सबसे ज़रूरी काम एकादशी में आपको करना है जो कि बहुत अनिवार्य है, वो है अन्न को नहीं खाना। आप फलाहार ले सकते हैं लेकिन अन्न बिल्कुल भी ना खाएं। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एकादशी की व्रत कथा अजा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकचित होकर सुनो, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना, ऐसा कहके महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी
पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे फूलजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज एकादशी के दिन इस मंत्र का पाठ करने से विष्णु सहस्र नाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने।